हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप रेवंत राज मैथमेटिक्स के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगा आपको वीडियो मिल जाए। दोस्तों, हमने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की शुरू के तीन वीडियो में चर्चा की, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कोप पर। इस चैप्टर से काफी सवाल बोर्ड परीक्षा में 10वीं क्लास के पूछे जा रहे हैं, जिसमें से एक सवाल हम ले रहे हैं आज, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना और शून्यकों को ज्ञात करना कोप के। इसके बाद हम देखेंगे कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना, जिसकी तीन विभिन्न विधियां हम पढ़ेंगे, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और सिद्ध आचार्य विधि। और इसी टॉपिक में आएगा बीजीय व्यंजकों का भाग करना, शेषफल और भागफल ज्ञात करना, और अंत में आएगा बीजीय व्यंजकों का एचसीएम और एलसीएम। तो काफी लंबा टॉपिक है, शुरू से हम आज इस चैप्टर को ले लेते हैं। सवाल, जो पहला सवाल इस द्विघात समीकरण के लिए बनेगा बहुपद का, वो देखें। सवाल है आपका, द्विघात बहुपद x2 - 2x - 8 के शून्य ज्ञात कीजिए, यहां से शुरू हो रहा है, शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों व गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। दो चीजें पूछी गई इसमें, पहले हमें शून्य निकालने हैं, उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करनी है द्विघात समीकरण के लिए। तो देखते रहिए आप इसका आंसर क्या होगा। हमें दिया गया है द्विघात समीकरण x2 - 2x - 8। हमें सबसे पहले इसके गुणनखंड विधि द्वारा शून्य ज्ञात करने हैं। तो गुणनखंड विधि में एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, जो कि है यहाँ पर। अब हम देखेंगे कि ऐसी दो संख्याएं जिनको आपस में गुणा करने पर माइनस के 8 आते हो, जोड़ने और घटाने पर माइनस के 2 मिलते हो, तो ऐसी दो संख्याएं आपको रिमाइंड करनी है जिनको आपस में गुणा करने पर माइनस के 8 मिलते हो, जोड़ने और घटाने पर माइनस के 2 मिलते हो, तो वह हो जाएगी माइनस के 4 और प्लस के 2। दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस के 8 आएंगे, 2 में से 4 आएंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 2x माइनस 8। अब हमारे पास इसमें 4 पद बन गए हैं, तो 2 में से हम कॉमन देखेंगे, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, यहां से x जाएगा, बचेगा x माइनस, यहां से x चला जाएगा, बचा माइनस के 4 प्लस, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2, तो बचेगा x माइनस 4। देखेंगे ये दोनों एक जैसे रहने जरूरी है, तभी आपका गुणनखंड सही माना जाएगा। इसको इसके साथ लिखेंगे तो ये बनेगा x प्लस 2, और इसको इसके साथ लिखेंगे तो x माइनस 4। ध्यान करें, हम शून्य ज्ञात करने जा रहे हैं, इसलिए इनकी तुलना x प्लस 2 बराबर 0 से करेंगे और x माइनस 4 बराबर 0 से करेंगे। तो इसमें 2 उस तरफ जाएंगे तो बचेगा x बराबर माइनस 2, और इसमें 4 उधर जाएंगे तो ये बनेगा x बराबर 4। तो इस द्विघात समीकरण जो है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के 2 शून्य हमें प्राप्त हो गए, एक तो आया माइनस 2 और एक आया प्लस के 4, अतः 2 शून्य माइनस 2 व 4 है। अब हमें करना है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो जांच कैसे करेंगे, जो शून्य ज्ञात किए हमने माइनस 2 और 4, पहले इनका योग निकालेंगे, फिर इनको गुणनफल करेंगे, और उसके बाद जो समीकरण दिया हुआ है द्विघात समीकरण, इसकी तुलना हम करेंगे मानक समीकरण से, फिर उनके लिए दो सूत्र अलग से योग का और गुणनफल का, उनसे इनका मिलान करेंगे कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं यहां पर कर रहा हूं शून्यकों का योग, जो शून्य ज्ञात किए हैं उन्हीं का कर रहे हैं अभी, ध्यान दें। तो शून्य कौन कौन सा है, माइनस 2 और 4, तो माइनस 2 प्लस 4, 4 में से 2 गए, शून्यकों का योग आ गया आपके 2। ऐसे ही करेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो ये हो जाएगा माइनस 2 गुणा 4, तो ये बन गया माइनस 8। हमारे पास योग 2 है और गुणनफल माइनस 8 है,
अब हमें क्या करना है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स प्लस आठ की तुलना, सॉरी माइनस आठ की तुलना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से करेंगे। ध्यान करें वापस, शून्यकों का योग और गुणनफल हमने जो शून्य ज्ञात किए उनका कर लिया है। अब हमें क्या करना है, द्विघात बहुपद जो दिया हुआ है उसकी तुलना करनी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर जीरो से। तो इसकी जैसे तुलना करेंगे तो यहाँ पर a का मान आ जाएगा एक, b का मान आ जाएगा माइनस के दो और c का मान आ जाएगा माइनस के आठ। अब हमें इनके लिए भी शून्यकों का योग और गुणनफल करना है, उसके लिए दो सूत्र अलग से है। तो पहले कर रहे हैं शून्यकों का योग जो कि होता है माइनस बी बटा ए। शून्यकों का योग का सूत्र ध्यान कर लें, माइनस बी बटा ए, बी का मान माइनस दो है तो माइनस सूत्र में और माइनस के दो बटा ए का मान एक है तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, शून्यकों का योग आ गया दो। ऐसे हम करेंगे शून्यकों का गुणनफल जो कि होता है c बटा a। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र ध्यान कर लें, c बटा a, c का मान यहाँ पर माइनस आठ है, a का मान एक है तो भाग देगा माइनस आठ बार। पहले हमने क्या किया, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात किए, फिर जो ज्ञात किए हैं उन्हीं में शून्यकों का योग और गुणनफल किया, उसके बाद द्विघात समीकरण की तुलना करनी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से। इससे हमारे पास ए बी और सी के मान आ गए। फिर हमने दो सूत्र ध्यान में करने हैं, शून्यकों का योग माइनस बी बटा ए, बी और ए के मान करके हमने निकाले दो, और शून्यकों का गुणनफल सी बटा ए जो कि आया माइनस आठ। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर भी शून्यकों का योग आया था दो और गुणनफल आया था माइनस आठ, यहाँ पर भी योग आ रहा है दो और गुणनफल आ रहा है माइनस आठ। अतः हम कह सकते हैं कि शून्यकों का कि शून्यकों व गुणांकों के बीच, शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। ध्यान कर लें दोस्तों, अपने इस चैप्टर का तीन नंबर का प्रश्न पूछा जाना है बोर्ड परीक्षा में। सवाल ऐसे लिखा हुआ आएगा, द्विघात समीकरण आपको द्विघात बहुपद दिया होगा, शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमें पहले गुणनखंड विधि द्वारा शून्य ज्ञात करने हैं, उसके बाद जो शून्य ज्ञात है उनका योगफल और गुणनफल करके देखना है। फिर मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की दिए गए बहुपद से तुलना करनी है जिससे हमारे पास a b c के मान आएंगे। फिर इनके लिए शून्यकों का योग माइनस b बटा a करके देखना है और शून्यकों का गुणनफल c बटा a करना है। तो दोस्तों आप मेरे चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जैसे इस चैप्टर का अगला वीडियो आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।